मैं अपनी देवरानी जेठानी, हम घर में खाना बना रही थी तो एक मेरी जेठानी ने बचे हुए आटे का गोल पिंड बना दिया और उसको फ्रिज में रखने लगी। तो दूसरी जो छोटी वाली है, जो भी नई नई आई थी, उसने कहा कि अरे नहीं, गोल पिंड नहीं बनाते क्योंकि पिंडदान होता है तो आटे को गोल में नहीं रखना चाहिए। उनको मैं बाद में जागरूक करूँगी, पहले तो मैं खुद को ही करूँगी जागरूक, क्योंकि अगर मैं खुद जागरूक नहीं हूँ तो मैं दूसरों को कैसे कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की पुस्तकें पढ़ें और पढ़कर उसको सिर्फ अलमारी में ना रख दें, उसके बारे में सोचें, मनन करें, चिंतन करें। दर्शकों, बाम सेफ का यहाँ नागपुर में अधिवेशन चल रहा है और आज अंतिम दिन, बहुत सारे लोग आज भी मौजूद हैं। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और इन्हीं में एक हैं धनु दयाल, जो कि दिल्ली से हैं और लेखिका हैं, हमारे बीच में इस वक्त हैं और हम इनसे जानेंगे कि सामाजिक जो बदलाव की बात हो रही है, खासतौर से इस संगठन में हमेशा सामाजिक बदलाव की बात होती है। एक बात कही जाती है कि सामाजिक बदलाव होने के बाद ही राजनीतिक परिवर्तन आ सकता है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जय मूल निवासी, यह शब्द मैंने यहाँ पर आकर ही जाना है जी। जबकि मेरी उम्र 52 साल है जी। और मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, बीएड किया है, परंतु बाबा साहब के मिशन के बारे में मैं सिर्फ अभी 4-5 साल से जानने लगी हूँ। तो ये इतने उच्च विचार वाले व्यक्ति जो कि विश्व में विख्यात हैं, हम जानते भी नहीं, उन्हीं के देश में रह रहे हैं, इतने पुराने वो हैं, फिर भी हम उनको नहीं जानते। अभी 4-5 साल से जब से मैं उनकी बुक्स पढ़ने लगी तो कुछ अपने आप में मेरे को आत्मविश्वास जगा और उन्हीं की बदौलत मैं अब थोड़ा सा लिखने भी लगी, क्योंकि मैं उनके बारे में सोचने लगी जी, जी, जी। अब मैं धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँची हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और महिलाओं के बारे में मैं कहूँ तो अभी तक जो हम ग्रंथ वगैरह पढ़ते थे, घर में हमारे कथाएँ होती थी, उनसे हमें ये पता चलता था कि हमें व्रत करना है, भूखे रहना है, बस इतना ही मालूम था, और सेवा करनी है। परंतु यहाँ आकर हमें पता चला कि हम बराबर हैं इनके, और इनके आँख से आँख मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमें भी अपने हक और अधिकार चाहिए जी। तो ये सिर्फ ये बदलाव जो है ये हमारे महिलाओं के लिए इतने ज़मीनी तौर पर हैं कि हमें राजनीतिक का हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने, जब हम खुद अपने आप का बदलाव महसूस नहीं करेंगे तो राजनीति में हम कहाँ से जाएंगे। फिर भी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, मुझ में आ गया है तो सब में ही आ जाएगा। आप तो लेखिका हैं, आप लिखते भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी कलम के माध्यम से जो है वो जन जागरूकता का ही काम कर सकती हैं, तो ये बताएं क्या आपने कुछ इस प्रकार की रचनाएं की? हाँ, मैंने अपने बहुत सी कविताओं में, कहानियों में ये चीज़ें लिखी हैं और इसके माध्यम से मेरे को खुद भी, उनको मैं बाद में जागरूक करूँगी, पहले तो मैं खुद को ही करूँगी जागरूक, क्योंकि अगर मैं खुद जागरूक नहीं हूँ तो मैं दूसरों को कैसे कर सकती हूँ। कहानियों में मैंने अपने ये देखा कि लिखते समय कि जो मैं लिख रही हूँ वो कई लोगों को पसंद नहीं आता, वो क्योंकि मैं उनके जो बरसों से चली आ रही मान्यताएं वो टूटती हैं। मैं कहानी का जिक्र करना चाहूँगी, असल में कहानी नहीं, सच्चाई है। मैं अपनी देवरानी जेठानी, हम घर में खाना बना रही थी तो एक मेरी जेठानी ने बचे हुए आटे का गोल पिंड बना दिया और उसको फ्रिज में रखने लगी। तो दूसरी जो छोटी वाली है, जो भी नई नई आई थी, उसने कहा कि अरे नहीं, गोल पिंड नहीं बनाते क्योंकि पिंडदान होता है तो आटे को गोल में नहीं रखना चाहिए। इस बात को उसने, जो मेरी जेठानी है, एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, तुरंत मान लिया। मैंने टोका उनको कि अरे कुछ नहीं होता, आटा ही तो है। पर ये जो छोटी छोटी अंधविश्वास है, इनको ये लोग जल्दी मान लेते हैं, और हम जो इतने बड़े तौर पर अब इन मान्यताओं को तोड़ने की बात करते हैं, इसको वो जल्दी से नहीं मानते। तो लेखिका के तौर पर मैं कहानी इस तरह की लिखती हूँ ताकि जो पढ़े, इस जाने, समझे और सोचे कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। वाकई वाकई बहुत सारे माध्यमों से परिवर्तन होता है। पहले की अगर हम बात करें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सारी किताबें लिखी, उस वक्त उस दौर में बहुत सारे ऐसे कवि थे, गीतकार थे, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन किया है। आप भी अपने लेखन के माध्यम से अब सामाजिक परिवर्तन करने जा रही हैं, आगे आपकी रचनाओं में कौन सी बातें शामिल रहेंगी, कौन सा विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? मैं असल में
घरेलू महिला हूँ, भले ही पढ़ी लिखी हूँ पर इतने ज़्यादा ज्ञान है ही नहीं। धीरे धीरे अब बाहर निकलने लगी हूँ तो मेरे को थोड़ा पता चलने लगा है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी सोच है। फिर भी अब मेरी शुरुआत हो गई है तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने आसपास अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसी, अपने जिनको मैं जानती हूँ उनमें थोड़ा सा फैलाव करूँ, थोड़ा उनको जागरूक करूँ। इसके लिए मैंने सबसे बड़ा माध्यम किताबें होती हैं जो कि किसी को जागरूक कर सकती है, क्योंकि मुझे भी उन्हीं से थोड़ी सी अकल आई है। इसी पे मैंने एक कविता भी लिखी है जो कि मैं सुनाना चाहूँगी। ये मैंने बाबा साहेब पे लिखी थी जब मैं उनकी किताबें पढ़ने लगी थी। उनका कभी नाम न सुना, ना कभी अखबार या टीवी पर चर्चा था। सबकी जयंती मनती रही, उनकी जयंती से अनभिज्ञ रही। स्कूल कॉलेज की किताबों से वो नदारद थे, क्यों सब उन्हें छुपा रहे थे? क्या वे उनसे डर रहे थे, इसलिए षड्यंत्र रच रहे थे? गाहे बगाहे दूर कहीं से आवाज़ एक आती थी, लेकिन दिल तक पहुँच ना पाती थी। निकाल दिए 40 साल, पूजती रही पत्थर के भगवान, आखिरकार एक घड़ी ऐसी आई। डॉक्टर अरुंधति राय की एक था डॉक्टर एक था संत पुस्तक हाथ में आई। जब मैंने उसको पढ़ा अंदर कहीं विस्फोट हुआ, मैं अपने को रोक ना पाई और उनकी पुस्तकें पढ़नी चाही। नानक चंद्रत्तू की पुस्तक का अध्ययन किया, बाबा साहेब अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियाँ, यह पुस्तक पढ़कर आंख भरी, एक नहीं अनेक बार पढ़ी। दिमाग की खिड़कियां खुल रही थी, दिल पर भी दस्तक हो रही थी। संविधान भी मैं लेकर आई, जाने अपने अधिकार पहले जो जान ना पाई। सिर्फ उनके बारे में पढ़कर ही मैंने नहीं माना, हर तरह से छानबीन कर तर्क वितर्क कर उनको जाना। जैसे जैसे जानकारी मेरी बढ़ती गई, नमन मैं उनको करने लगी। अब मैं उनके बारे में रचनाएं भी लिखने लगी, लेकिन यह क्या, बहुत से लोगों को बात यह खलने लगी। मेरी रचनाओं पर अभद्र टिप्पणी देते, मेरी जानकारी पर प्रश्न करते रहते। यह सब सोचने पर मजबूर करता है, क्यों इनके जिक्र पर चिढ़ जाते हैं, क्यों इनके शख्सियत से इतने खौफ खाते हैं, क्यों लग जाती है इनके अभिमान को चोट। खैर, मुझे अपना काम करना है, उन्हीं के मार्ग पर चलना है। क्या बात है, बहुत ही शानदार रचना है और निश्चित रूप से ये रचना बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करेगी। किस तरह से आप अपने आप को बदलते हैं और फिर समाज को बदलने के लिए आप प्रस्तुत होते हैं, तो ये प्रस्तुतिकरण वाकई बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को ऐसी ही प्रेरणा देती रहेंगी। क्या संदेश देंगी महिलाओं को? मैं उनको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहेब की पुस्तकें पढ़ें और पढ़कर उसको सिर्फ अलमारी में ना रख दें, उसके बारे में सोचे, मनन करें, चिंतन करें, अमल में भी। हाँ जी बिल्कुल। और मैंने जो एक बुक लिखी है अतरंगी कहानियाँ, उसमें मैंने ऐसी ही छोटी छोटी घरेलू महिलाओं के लिए बातें रखी हैं जो कि अगर वो समझे तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकती हैं। किस प्रकाशन से आई है ये? नोशन प्रेस से है। जी जी हाँ जी। तो दिल्ली से हमारे बीच एक लेखिका जिन्होंने अपनी बात कही और बहुत ही बेहतर तरीके से वो आगे भी अपनी बात कहती रहेंगी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।